मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं जनूबी अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत से मुल्क पैराग्वे की। आज मैं आप लोगों को इस मुल्क की सैर के साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपको यूट्यूब पर ढूंढने से भी कोई वीडियो नहीं मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि हमारी तरफ से हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के पास बरवक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, पैराग्वे को आज़ादी सल्तनत हस्पानिया से मिली थी। पहली बार इस खित्ते को स्पेन के एक बाशिंदे ने दरियाफ्त किया था, यानी जवान डी सलाजार ही वो पहला यूरोपी था जिसने 1516 ईस्वी में इस पैराग्वे की सरजमीन को दुनिया के नक्शे पर जाहिर करवाया था, जिसके बाद इस मुल्क पर सल्तनत हस्पानिया का राज कायम हुआ। मगर कहा जाता है कि हस्पानिया के पैराग्वे पर कब्जे से पहले यहाँ गुरानी लोगों का कब्जा था। ये वही लोग थे जो कोलंबिया से इस खित्ते पर आकर आबाद हुए थे। ये लोग ताकत में स्पेन वालों से बहुत पीछे थे, इसी वजह से ये सल्तनत हस्पानिया के मातहत हो गए और यूं इस सरजमीन पर स्पेन की बादशाहत का झंडा लहराने लगा। सल्तनत हस्पानिया के दौर में इस सरजमीन पर तरक्याती काम होने लगे, लोगों को सेहत और तालीम जैसी सहूलियात मिलने लगी। यही वजह थी कि अवाम के अंदर खुद मुख्तारी का जज्बा पैदा होने लगा और इस मुल्क ने 14 मई 1811 ईस्वी को आज़ादी का ऐलान कर दिया। ताहम इनको हकीकी आज़ादी 25 नवंबर 1842 को दी गई थी, जिसके बाद इस मुल्क का नया नाम जमहूरिया पैराग्वे हो गया था। पैराग्वे जनूबी अमेरिका में वाकई एक ज़मीनबंद मुल्क है। इसके जनूब की तरफ अर्जेंटीना, मशरक की तरफ ब्राज़ील, शमाल और मगरब की तरफ इस मुल्क को बोलेविया ने घेरा हुआ है। पैराग्वे के बारे में अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 4,06,752 मरबा किलोमीटर है और यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 59वां बड़ा मुल्क है। अगर हम पैराग्वे की आबादी की बात करें तो 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 70,52,983 अफराद पर मुश्तमिल थी और ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 130वां बड़ा मुल्क था। दोस्तों, अगर हम पैराग्वे के मजहब की बात करें तो मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मसीहत के फिरके कैथोलिक को इस मुल्क की 88% आबादी मानती है। 8% आबादी मसीहत के फिरके प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक रखती है। 2% ऐसे हैं जो नाउज़ बिल्ला खुदा के वजूद पर ही यकीन नहीं रखते और 2% दीगर मजहब के मानने वाले हैं, जिनमें 15,000 के करीब यहूदी और 1,000 के करीब मुसलमान यहाँ आबाद हैं। ये मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया और लिबनान जैसे ममालिक से आकर यहाँ बस चुके हैं और पैराग्वे को अब इन लोगों ने अपना मस्कन बना लिया है। हस्पानवी और गोरानी पैराग्वे की सरकारी जुबानें हैं। मुल्क की 50,000 आबादी ऐसी है जो इन जुबानों के अलावा दीगर कई जुबानों का इस्तेमाल भी करती है। इन दीगर बोली जाने वाली जुबानों में माका, कसिका और चीमा कोको ज्यादा अहम जुबानें हैं। असनशियन पैराग्वे का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का रकबा 117 मरबा किलोमीटर है और ये शहर अपने अंदर तकरीबन 6 लाख पैराग्वेन लोगों को समोए हुए है। पैराग्वे की करंसी को पैराग्वेयन गोरानी कहा जाता है। इनकी ये करंसी पाकिस्तानी करंसी से कमतर समझी जाती है। पाकिस्तान का 1 रुपया 48 गोरानी के बराबर, जबकि 1 इंडियन रुपया 85.37 गोरानी के बराबर होता है। पैराग्वे वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है। पैराग्वे का कॉलिंग कोड +595 और डोमेन नेम .py है। अटीपू डैम ब्राज़ील और पैराग्वे के बॉर्डर पर वाके दोनों ममालिक का मुश्तरक डैम है। इस डैम को दुनिया का दूसरा बड़ा डैम होने का भी एजाज हासिल है। इस डैम से पैराग्वे की 100% बिजली की जरूरियात को पूरा किया जाता है। चूंकि ये दोनों ममालिक के बॉर्डर पर आता है, इसीलिए ब्राज़ील भी इस डैम से एक बड़ी तादाद में बिजली हासिल करता है। पैराग्वे बोलेविया के बाद जनूबी अमरीका का दूसरा जमीनबंद मुल्क है। दुनिया में 43 जमीनबंद मुल्क हैं, यानी ऐसे मुल्क जिनकी सरहदें किसी समुंदर को नहीं लगती। इन सब के बावजूद पैराग्वे जमीनबंद ममालिक में सबसे ज्यादा नेवी रखता है।
पैराग्वे अपने कुदरती हुसन और लोगों के दोस्ताना रहन सहन के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इन सब के बावजूद भी पैराग्वे जनूबी अमरीका में सबसे कम विजिट किया जाने वाला मुल्क है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पैराग्वे में सफर करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 12,14,000 अफराद थी। दोस्तों, पैराग्वे की 26% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, 19% सनदकारी से और 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी अदारों में मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं। सनदकारी के शोबे में शुगर, सीमेंट, इलेक्ट्रिक पावर, लकड़ी की बनी मसनूआत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। फुटबॉल और बास्केटबॉल पैराग्वे की सबसे मकबूल खेलें हैं और यही खेलें पैराग्वे की ज़्यादातर आबादी खेलना पसंद करती है, जबकि दीगर खेली जाने वाली खेलों में वॉलीबॉल, टेनिस, रग्बी यूनियन और शतरंज शामिल हैं। दरियाए अमेज़न के बाद दरियाए पराना जनूबी अमरीका का दूसरा बड़ा दरिया है, जो पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होकर गुजरता है और इसी दरिया पर इन तीनों ममालक की हदूद भी एक दूसरे के साथ मिलती हैं। पैराग्वे की 15 साल की 94% आबादी ऐसी है जो पढ़ना और लिखना जानती है, जबकि इस मामले में अमरीका की सिर्फ 86% आबादी ही ऐसी है जो 15 साल की होने के बावजूद पढ़ लिख सकती है। अलबत्ता पैराग्वे में तालीम की शरह भी 94% ही है। 16वीं सदी में हस्पानवियों के इस खित्ते में दाखिले से पहले गोरानी लोग ही पैराग्वे में बसा करते थे। अब पैराग्वे की 95% आबादी ऐसी है जो यूरोपियों और गोरानी लोगों के मिलाप से पैदा हुई है। दोस्तों, पैराग्वे का परचम दुनिया में सबसे कदीम परचमों में से एक है। पैराग्वे के परचम के बारे में शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि पैराग्वे के परचम के दोनों अतराफ के रंग तो एक जैसे हैं, मगर इस परचम पर दो मुख्तलिफ लोगोज बनाए गए हैं। एक तरफ पैराग्वे के आर्मी कोर्ट का लोगो है, जबकि दूसरी तरफ अमन और इंसाफ के मोटो का लोगो बनाया गया है। ये दुनिया का वाहिद परचम है जिसके दोनों अतराफ पर दो मुख्तलिफ शबीहात बनाई गई हैं। पैराग्वे अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया से थोड़ा सा छोटा है। पैराग्वे में 1,000 से ज्यादा इकसाम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। रेड पैरट इस मुल्क में सबसे ज्यादा दिखाई दिया जाने वाला परिंदा है। 16वीं सदी में इस मुल्क का नक्शा तोते जैसा था। कहा जाता है कि पैराग्वे का ये नाम पैरट से ही लिया गया है। पैराग्वे एक ऐसा मुल्क है जिसके किसी भी घर में आपको डोरबेल दिखाई नहीं देंगी, बल्कि आपको किसी के घर दस्तक देने के लिए इसके दरवाजे को अपने दोनों हाथों से खटखटाना होता है। 1864 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूराग्वे के दरमियान कायम होने वाली जंग जनूबी अमरीका की सबसे खूनरेज जंग थी, जिसमें पैराग्वे की आधी से ज्यादा आबादी मारी गई थी। इस जंग के बाद पैराग्वे के सिर्फ 28,000 मर्द जिंदा बचे थे। दोस्तों, पैराग्वे दुनिया का छठा सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करने वाला मुल्क है, दुनिया का दूसरा बड़ा टंग ऑयल पैदा करने वाला मुल्क, दुनिया का छठा सबसे ज्यादा मकई एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क, दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पुदीना पैदा करने वाला मुल्क, दुनिया का सातवां सबसे ज्यादा गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क और दुनिया का 14वां सबसे ज्यादा गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। पैराग्वे और बोलीविया के दरमियान जंग 1930 ईस्वी तक जारी रही थी। इस जंग में पैराग्वे ने बोलीविया का बहुत सा इलाका फतेह भी कर लिया था। ये इलाका और इसके साथ का पैराग्वे का मगरबी इलाका ऐसा है जहां पर पैराग्वे की सिर्फ 2% आबादी मुकीम है, जबकि पैराग्वे के इस इलाके का कुल रकबा पैराग्वे का 60% रकबा बनता है। पैराग्वे दुनिया में हाइड्रो पावर सिस्टम से बिजली पैदा करने के हवाले से पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है, लेकिन ये अपनी पैदा की हुई बिजली का सिर्फ 13% ही अपने मुल्क में इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी बिजली ये ब्राज़ील को फरोख्त कर देता है। दोस्तों, ये थी पैराग्वे के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कॉमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।